हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मलाई से जो है घी निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। जो है दूध से ही लोग मलाई निकाल दे रहे हैं, उसका वो टेस्ट नहीं आता है। जो इस तरह के से बनाइएगा तो वो बहुत ही अच्छा, जो पहले आप दादी नानी के ज़माने में खाया करते थे वो मक्खन, वो मलाई, वो घी, उस तरह से आपको जो है बता रही हूँ। अक्सर हम दूध लेते हैं, भैंस का दूध हो तो और भी ज़्यादा मलाई निकलता है। हम भैंस का दूध लेते हैं और उसको रात में उबाल करके फ्रिज में रख देते तो एक मोटी परत सी जो है बन जाती है ये मलाई का, और हम इसको निकाल करके स्टोर करते हैं फ्रिज में रख रख के। लगभग एक से दो हफ्ते तक जितना मलाई आपको निकले या जितना आपके पास हो उसके अनुसार से आप मलाई इकट्ठा कीजिए और उसका घी बनाइए। तो देखिए, ये दूध है, इसका हम निकाले हैं मलाई, अब मलाई आपको दिखा रहे हैं। लगभग दो हफ्ते तक हमने इसे स्टोर करके रखा है, और जब हम इसको घी बनाने के लिए तैयार करते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा इसको गर्म करके और इसका जो है इसमें जमावन डाल देते हैं, जोरन डाल देते हैं दही का, ताकि ये परफेक्ट तरीके से जो है दही बन के रेडी हो। तो ये देखिए, ऊपर से बिल्कुल मलाई बना हुआ है, ये मक्खन तैयार हुआ है, लेकिन इसमें दही भी है। तो हम इसका छाछ तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको मिक्स कर रहे हैं, और अब हम इसको जल्दी कर तैयार करने के लिए, इसे ऐसे भी फेंट के आप मथनी से मथते हुए निकाल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसे मिक्सी में एक एक बार करके चला लेंगे, ज़्यादा नहीं, केवल एक बार चलाएंगे, और उसको इसी तरह पूरे जो है दही को हम अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे। तो देखिए, मिक्सी में डाल करके इसको दो तीन बार घुमाना है, ज़्यादा नहीं। देखिएगा, ये पीसने के बाद जो है छाछ की तरह पतला हो जाएगा। अभी ये गाढ़ा है, दही के रूप में है तो गाढ़ा है। अब बिल्कुल ये बिना पानी डाले, इसमें पानी अभी नहीं डालना है, इसको हम लगातार दो तीन बार चला के मिक्सी को सभी को पीस लेंगे। मिक्सी में देखिए, दो तीन बार घुमाने के बाद कुछ बबल्स से दिख रहे हैं आपको, ये जो है मक्खन का जो है बबल्स है। इसमें हम लगभग आधा लीटर पानी डालेंगे। पानी ये थोड़ा ठंडा पानी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, अगर ठंडे का मौसम हो तो आप गुनगुना पानी डालिए। इसमें हम लगभग आधा लीटर पानी डाल चुके हैं, एक लीटर से पानी लिए थे लेकिन आधा लीटर ही डाले हैं। अगर आपके पास इस तरह का हो या इस तरह का लकड़ी का मथनी हो उससे मथ करके आप निकालिए। तो हम लकड़ी से ही निकालेंगे क्योंकि हम पहले का टिप्स बता रहे हैं, और इससे मुझे आराम भी पड़ता है, इसी से मक्खन निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से इसको मथते हुए देखिए, साइड साइड से जो बबल्स आ रहे हैं वही आपका मक्खन है। इसी को आप धीरे धीरे ज़्यादा मथिएगा तो ये। तो देखिए, अब हम जो है इसको गैस पे जो है बहुत उबाले हैं, इसके बाद ये परफेक्ट घी निकल गया है। इसको हम छन्नी में छान लेंगे, वो दिखाते हैं आपको। तो देखिए, देसी घी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो खट्टापन होना चाहिए, जो टेस्ट होना चाहिए वो है इसमें। इसको ज़रूर घर में बनाइए, क्योंकि हम जब भी जो है मलाई, लोग ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं आजकल, तो मलाई को स्टोर करके ज़रूर आप घी निकालिए। देखिए, घी बन के बिल्कुल रेडी है, इसको खाइए। तो देखिए, हम घी पहले से भी बना के इस जो है बर्तन में रखे हैं और डब्बे में रखे हैं, और घी आपको दिखा रहे हैं कितना जो है शुद्ध और दानेदार घी बना हुआ है। इसी तरह ये भी तैयार हो जाएगा। अभी ये थोड़ा गुनगुना है इसलिए ये जो है इस तरह जमा नहीं है, जमा ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल बिहार रेसिपी सीमा तिवारी है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये घी निकालने का टिप्स कैसा लगा। धन्यवाद।